उत्तर पश्चिमी ब्राजील के अधिकांश हिस्से को कवर करते हुए कोलंबिया, पेरू और अन्य अमेरिकी देशों में फैला हुआ अमेज़न का यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। शक्तिशाली अमेज़न रिवर के इर्द गिर्द फैला हुआ यह विशालकाय जंगल अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे अधिक लिखित और अध्ययन किए गए इकोसिस्टम्स में से एक है। चलिए चलते हैं उस दौर में जब फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने नदी के पात्र में प्रवेश किया था। बात चल रही है अप्रैल 1541 की, जब एक स्पेनिश सैनिक फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने अमेज़न प्रणाली की खोज में प्रवेश किया। धारा के साथ बहते हुए वह अगस्त 1542 में नदी के मुहाने तक पहुंच गए। ब्रिटानिका के अनुसार इस क्षेत्र का पता लगाने वाला वह पहला यूरोपियन था। इस खोज के दौरान उन्होंने सोने और दालचीनी की कई सारे ढेर देखे। उसकी कई रंजक कहानियां लेकर त्रिनिदाद के ओर बढ़ते हुए वह अंत में स्पेन लौट रहे थे। तब उन पर कुछ आदिवासी महिलाओं ने हमला किया जो उनके क्षेत्र का रक्षण कर रही थी। वे इतने उग्र थे कि फ्रांसिस्को ने उन्हें अमेज़न कहा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में महिला योद्धाओं को अमेज़न कहा जाता है और तभी से इस क्षेत्र और नदी को अमेज़न कहा जाने लगा। अमेज़न के इस जंगल में पेड़ों की हजारों प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ पौधे 80 से 100 फुट लंबे और घने हैं, जिनकी बड़ी शाखाओं से छत्र यानी कि कैनोपी बन गया है। कैनोपी की वजह से सुबह के सूरज की किरण जमीन तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए यहाँ हमेशा हल्का उजाला ही रहता है। और कितनी भी घमासान बारिश हो, बारिश का पानी जमीन तक पहुंचने को 10 से भी ज्यादा मिनट का समय लगता है। जरा सोचिए, इतने गहरे जंगल में कोई पेड़ चलते हुए दिखे तो आप क्या करोगे? सोक्रेटिया एक्सोरिजा। माना जाता है कि यह पेड़ छाया से सूरज की रोशनी तक चलता है। जहाँ सूरज की रोशनी है उस दिशा में वह बढ़ता जाता है और इस दौरान आगे बढ़ते वक्त नई जड़ें उगती है और पीछे पुरानी जड़ें हवा में उठकर मर जाती है। एक जीवाश्म विज्ञानी का कहना है कि यह पेड़ प्रतिदिन 2 या 3 सेंटीमीटर चलता है। इसे वॉकिंग पाम के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप मिले हो अमेज़न के इस क्रूट से? कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने वाले पर्सी फॉसेट का यह कहना था कि उन्होंने वहां 20 से 40 फीट लंबे और 250 किलो से भी ज्यादा वजनी ग्रीन एनाकोंडा की कई सारी प्रजातियां जंगल में देखी है। उनका यह भी कहना था कि इस जंगल की दुनिया में उन्होंने सबसे बड़े सांप यानी कि टाइटानोबोआ का अस्तित्व भी देखा हुआ है। टाइटानोबोआ एक विशालकाय सांप है जो 50 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और जिसका वजन लगभग 1200 किलोग्राम यानी कि 1 टन से भी अधिक हो सकता है। यह सांप 60 मिलियन साल पहले जीवित था और डायनासोर के विलुप्त होते ही तुरंत वो भी विलुप्त हो गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि टाइटानोबोआ अभी भी अमेज़न के कुछ हिस्सों में मौजूद है, जिसकी लंबाई करीब करीब 70 से 80 फीट तक हो सकती है। वहाँ रहने वाले कुछ आदिवासियों का मानना है कि टाइटानोबोआ अभी भी नदी के पानी में जीवित है। वे उसे यूकुनामा कहते हैं, यानी मदर ऑफ द वाटर। अगर यूकुनामा की अफवाह सच है तो यह सांप अनदेखे एनाकोंडा की एक प्रजाति हो सकती है या फिर एक जीवित टाइटानोबोआ। इंग्लैंड के प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट स्टोनहेंज के बारे में आप सब ने ही सुना होगा, मगर क्या आप जानते हो अमेज़न के जंगल में सिल्कहेंज है? वो भी एक नहीं, कई सारे, और इसे मकड़ियों ने बनाया है। विश्वास नहीं हो रहा ना, मगर यही सच है। सिल्कहेंज
ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मकड़ी के प्रजनन का एक साधन है। ऐसा मानना है कि इसका उपयोग मकड़ी की एक से भी अधिक प्रजातियां, जो कि अभी तक अज्ञात है, उनके द्वारा किया जाता है। इनमें आमतौर पर मकड़ी के रेशम से निर्मित एक केंद्रीय शिखर होता है, जिसमें एक से दो अंडे होते हैं, जो एक सर्कल में रेशम के स्तंभ से घिरा होता है। संशोधनकर्ता ने बेबी मकड़ियों को उस संरचना से बाहर निकलते हुए देखा है, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वे कौन सी प्रजाति की है। क्या कुदरत का करिश्मा है! इतना घना जंगल हर दिन दुनिया को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, जो किसी भी अन्य इकोसिस्टम से कई गुना ज्यादा है। वहां उगने वाले पौधे अक्सर असाधारण पाए जाते हैं। उनमें से कई सुगंधित और अनोखे फूल की प्रजातियां भी है, जो परागकणों को कम सूर्य प्रकाश में भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है। वन तल की परत और भी गहरी है और वहाँ कुछ अनोखे पेड़ उगते हैं। US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार कैंसर से लड़ने वाली सभी दवाइयों में से 2/3 यानी कि 70% से भी अधिक वर्षावन में पौधों से आती है। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि कोकोआ, कॉफी, नट्स, ट्रॉपिकल बनानास, स्पाइसेस, सिट्रस फूड्स जैसे और भी बहुत सारी चीजें आप जिसे रोज खाते हैं, वो भी इसी जंगल से आती है। 40,000 पौधों की प्रजातियां, लगभग 1,300 रंगीन पंछी, मछली की 3,000 से भी ज्यादा प्रजातियां, करीब 430 स्तनधारी, 380 रेंगते हुए कीड़े तथा 25 लाख से भी अधिक प्रजातियों की तितलियां और अजीबोगरीब कीड़े। ऐसी जैव विविधता से खिले हुए इस जंगल में पूरे साल भर बारिश होती है। अभी भी हम देख सकते हैं कि अगले पूरे हफ्ते यहाँ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अमेज़न में वर्षा आमतौर पर सालाना 1500 से 3000 मिलीमीटर तक होती है और इसी बारिश का पानी दक्षिण अमेरिका के 6,992 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाले अमेज़न नदी में जाकर गिरता है। सबसे ज्यादा क्षमता से बहने वाली विश्व की दूसरी बड़ी इस नदी में 2,09,000 क्यूबिक मीटर से पानी बहता है। अमेज़न हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मगर दुर्भाग्य से जंगल खतरनाक दर से घट रहा है, शायद आपके विचार से भी ज्यादा तेज। एक निराशाजनक तथ्य यह है कि अमेज़न के जंगल का 1.5 एकड़ हर अगले सेकंड में खत्म होते जा रहा है। इसके साथ हर दिन औसतन 137 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। वनों की कटाई का अधिकांश हिस्सा मवेशियों को पालने के लिए, चरागाह बनाने के लिए किया जाता है। अब समय आ गया है कि हमें मांस की कटाई पर विचार करना ही होगा। अकेले अमेज़न में पौधों की कटाई वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 30% है। वनों की कटाई और बढ़ती जंगल की आग से बड़ा पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है। हम वातावरण में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से अकेले नहीं निपट सकते हैं। अगर चीजें इसी तरह से जारी रहती है तो अगले 40 वर्षों में कुछ भी नहीं बचेगा। इस जंगल का संवर्धन आवश्यक है। हमें लाखों प्रजातियों और इस पर निर्भर लोगों के लिए, इस जीवनदायी खजाने की रक्षा के लिए तेजी से कार्य करने की जरूरत है। अमेज़न का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गुलदस्ते में है। वहां तक पहुंचने की किसी ने हिम्मत नहीं की है और जिन्होंने की है उनमें से कई बचकर वापस नहीं आए हैं। ऐसे खतरों से भरे जंगल की अन्य कहानियां अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।